हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस मोटिवेशनल वीडियो में हम आपके साथ एक रियल लाइफ स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि सड़क पर अपना म्यूजिक परफॉर्मेंस करने वाला एक इंसान कैसे जर्मनी का एक बहुत बड़ा म्यूजिशियन बनता है। दोस्तों, शून्य से शिखर तक पहुँचने वाले इस शख्स का नाम है लियो रोजस। दोस्तों, यहाँ पर हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि इनकी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव और इस मोटिवेशनल वीडियो का पूरा आनंद लेने के लिए आप प्लीज़ इसको स्किप नहीं कीजिएगा। और यहाँ पे हम आपको एक और रोचक जानकारी देंगे कि लियो रोजस के ऊपर आज तक इंटरनेट पे कोई भी वीडियो नहीं बना है। लियो रोजस, जिनका नाम है जुआन लियोनार्डो सेंटिलियर रोजस, इनका जन्म 18 अक्टूबर 1984 को एक छोटे से साउथ अमेरिकी देश इक्वाडोर के उटा वेलो टाउन में हुआ था, जो कि पूरी तरह से ज्वालामुखियों से घिरा हुआ है। आज इनकी उम्र 35 साल है और ये एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन, इंटरनेशनल आर्टिस्ट के तौर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। और इस सफर तक पहुंचने में इनकी लगन, मेहनत और बहुत अपार त्याग शामिल है। रोजस अपने देश इक्वाडोर से परिवार को वहीं छोड़कर अकेले ही मात्र 15 साल की उम्र में सन 2000 में स्पेन आ गए थे। शुरुआत में रोजस अपनी मदरलैंड से बार बार टूरिस्ट वीज़ा लेकर जर्मनी और स्पेन आते जाते रहे थे। और वो बताते थे कि जब वो ट्रेन में यात्रा करते थे तो लोग उनसे पूछते थे कि आप इतनी छोटी उम्र में अकेले सफ़र क्यों करते हो, क्या आपको कभी डर नहीं लगता। इस तरह से उनसे ना जाने कितने सवाल पूछे जाते थे। 15 साल की उम्र में अपना घर, अपना परिवार, अपने दोस्तों को छोड़कर दूसरे देश में वो आ गए थे। इससे ये तो पता चलता था कि उनके अंदर कितना साहस था, लेकिन दूसरे देश में आने के बाद उनको इतनी छोटी उम्र में काम मिलना आसान नहीं था और उनको अपनी ज़िंदगी जीने के लिए पैसों की भी ज़रूरत थी। तो रोजस ने अपने लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने पैन फ्लूट के साथ सड़क पर ही परफॉर्मेंस करना शुरू कर दिया और साथ ही साथ वो अपने हैंडीक्राफ्ट बनाकर भी बेका करते थे। और 16 मार्च 2001 को मात्र 16 साल की उम्र में रोजस ने जर्मनी के पीटर स्ट्रीट पर अपना फर्स्ट स्ट्रीट परफॉर्मेंस किया था। और उस परफॉर्मेंस को देखते समय राहगीरों ने उनको 11 यूरो और 59 सेंट इनाम के तौर पर दिए थे। और रोजस बताते हैं कि उस पैसे से उन्होंने अपने लिए ब्रेड खरीदा था, क्योंकि वो भूखे ही बिना कुछ खाए परफॉर्मेंस कर रहे थे। दोस्तों, जो लोग अपनी ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानते हैं और हमेशा आगे बढ़ने के लिए सोचते हैं, प्रकृति भी उनके लिए हमेशा रास्ते बनाती है। रोजस की ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव तब आया जब एक दिन सड़क किनारे अपना शो परफॉर्मेंस करते समय एक राहगीर ने उन्हें जर्मनी के एक बहुत ही पॉपुलर टेलीविजन रियलिटी शो दास सुपर टैलेंट के बारे में जानकारी दी, जो कि ब्रिटेन गॉट टैलेंट का जर्मन वर्जन है। उन्होंने 2011 में शो के 5वें सीजन के लिए अप्लाई किया और फिर आगे चलकर उन्होंने सेमीफाइनल में जगह भी बनाई। यहाँ मैं आपको एक बात और बनाना चाहूँगा कि शो में अप्लाई करने से पहले लगभग 10-11 साल तक वो सड़क पर ही परफॉर्मेंस करते रहे थे। और जब वो शो में आए तो उन्होंने अपने पैन फ्लूट और साउथ अमेरिका विंड इंस्ट्रूमेंट के साथ परफॉर्मेंस दिया और सेमीफाइनल में उन्होंने एल कांडोर पासा को परफॉर्म किया। उनके लिए वो एक बहुत ही इमोशनल परफॉर्मेंस था, क्योंकि वहाँ पर दर्शकों में उनकी माँ भी शामिल थी और अपनी माँ को देखकर वो अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए थे। 17 दिसंबर 2011 को फाइनल में रोजस ने जेम्स लास्ट का लिखा हुआ एक इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक द लॉनली शेफर्ड प्ले किया, जो 1977 में लास्ट और घोरले जम्फिर द्वारा प्ले किया गया था और उस जमाने का बहुत बड़ा हिट भी था। रोजस ने एक अलग बढ़त के साथ इस प्रतियोगिता को जीता और ग्रैंड फिनाले का खिताब अपने नाम किया और यहाँ से उनकी पहचान बननी शुरू हुई। दास सुपर टैलेंट का 5वां सीजन जीतने के बाद उनका विनिंग सॉन्ग भी रिलीज हुआ और क्रिसमस के सप्ताह के दौरान ये जर्मन चार्ट बिक्री पर 48वें स्थान पर रहा। इसके बाद उनके कैरियर ने तेज़ रफ्तार ली और 27 जनवरी 2012 को, मतलब एक महीने के अंदर ही, उनका पहला एल्बम भी रिलीज हुआ, जिसका टाइटल था स्प्रिट ऑफ द हॉक। उनका ये एल्बम जर्मन स्पीकिंग नेशन के चार्ट में टॉप 5 में पहुंच गया था और फरवरी के अंत तक रोजस ने जर्मनी में गोल्डन स्टेटस भी हासिल कर लिया था, जो कि जर्मनी के म्यूजिक इंडस्ट्री में
प्लेटिनम के मिलने के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्टेटस भी होता है। उसके बाद लियो की पॉपुलैरिटी बहुत तेज़ी से बढ़ी और लियो की कुछ एल्बम्स भी आई, जिनमें से कुछ खास थी स्प्रिट ऑफ द हुक 2012 में आई थी, फ्लाइंग हार्ट्स 2012 में आई थी, एल्बाट्रास इनकी 2013 में आई थी, डास बेस्ट्रे 2015 में इनकी एल्बम आई थी, लियो रोजस इनकी 2017 में एल्बम आई थी और सारी ही एल्बम्स इनकी बहुत बड़ी हिट गई थी। दोस्तों अगर हम इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो रोजस ने 2004 में ही मात्र 20 साल की उम्र में एक लेडीज पुलिस जिनका नाम है इन सेंटेलियन रोजस से शादी की थी और उसके बाद उन्होंने बर्लिन में रहना शुरू कर दिया था। और रोजस अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ा मोटिवेशनल, सबसे बड़ा इंस्पायरेशन अपने बेटे को मानते हैं और वो अपनी इस कामयाबी का श्रेय अपने बेटे की माँ यानी अपनी पत्नी को भी देते हैं। सन 2018 में स्टार न्यूज अल जजीरा को दिए एक इंटरव्यू में रोजस ने बताया था कि बचपन में वो भी डॉक्टर, इंजीनियर, एस्ट्रोनॉट बनने के सपने देखा करते थे। वो एक आदिवासी समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके पास बहुत ही सीमित साधन थे, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी। वो अपना घर छोड़कर जब दूसरे देश में आए तो वहाँ की सभ्यता, वहाँ की भाषा अलग थी और उन्होंने अपने लिए रास्ता चुना और आगे बढ़े। रोजस का मानना है कि म्यूजिक लोगों को आपस में जोड़ता है, तनाव को दूर करता है, रिलैक्स करने में हेल्प करता है और हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। आज रोजस इंटरनेशनल शोज करते हैं। इनके शो सिर्फ यूरोप में ही नहीं बल्कि यूरोप से बाहर और एशिया में भी होते हैं और इनकी एक बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग भी है। और इनको दूसरे देशों में जाना, वहाँ की कल्चर को फील करना, वहाँ के लोगों से बातें करना, उसमें घुलना मिलना बहुत अच्छा लगता है। और दोस्तों रोजस की कहानी से हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि हमारे पास कितने भी सीमित साधन हो लेकिन हमें सपने देखने का अधिकार है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने सपनों को पूरा कर सकें। लियो रोजस की एक और ख़ास बात यह भी है कि बेशक वो आज कितने भी बड़े स्टार बन गए हैं, बेशक कितने भी बड़े इंटरनेशनल आर्टिस्ट बन गए हैं, लेकिन जैसे वो एक आदिवासी समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने उस चीज़ को लोगों से कभी नहीं छुपाया है और अपना जो ट्रेडिशनल गेटअप है उसमें ही उनकी बहुत सारी परफॉर्मेंस भी है। और इस बात से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बेशक हम जिंदगी में कितने भी बड़े मुकाम को हासिल कर लें, लेकिन हमें अपनी जड़, अपनी पहचान, अपनी जो हमारा अस्तित्व है उसको हमेशा सजोए रखना चाहिए और उस पर गर्व महसूस करना चाहिए। दोस्तों कॉपीराइट इशू की वजह से हम उनकी पूरी वीडियो तो यहाँ नहीं प्ले कर सकते। और दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और आपको यहाँ से कुछ मोटिवेशन मिला तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। साथ ही साथ अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।